नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि जो मैं अभी 1 सितंबर से मैं इंडिया जा रहा हूं 3 वीक के लिए, तो वीडियो में थोड़ा इतना कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा। और मैं जो डेट्स है 4 से लेके 8 में काफ़ी बिजी रहूँगा, तो वो 4 दिन वीडियो नहीं आएगा, पर उसके बाद में मैं जब भी अवेलेबल रहूँगा मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा। और अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि अगर मिल सकते हैं तो मुंबई में मैं जो रिटर्न फ्लाइट है उसके पहले हम छोटा सा मीटअप रख सकते हैं हम वहाँ पे मुंबई में कहीं पे भी, और उसके बाद में मैं यहाँ पे रिटर्न आ जाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज का दिन कुछ खास नहीं था, क्योंकि आज जो मेरा एसएल था, मेरा अदानी में एसएल लगा था, और जो यहाँ पे मेरा एसएल था 40.50 का था, जो लो लगा था 42 का था, पर टाइम बचा नहीं था। और आप जानते हो कि लास्ट जो फ्यूज डेज रहते हैं उसमें आपको फुल मार्जिन रखना पड़ता है, और वो इससे अच्छा था मैं वहाँ पे एग्ज़िट कर गया था 44 के आसपास, मैंने एग्ज़िट किया था 54 पे लिया था, 10 पॉइंट का आज का मेरा अदानी का एसएल था। और फिन निफ्टी का जो 38 के ऊपर था उसमें एक्टिवेट नहीं हुआ था, पर मैंने एक 15 पे बाई किया था, और उसका 10 पॉइंट का 5 पे मेरा एसएल हुआ था। तो आज मेरा 2 एसएल लगा था। जो सबसे बढ़िया मुझे ट्रेड पसंद आया था वो था गोदरेज सीबी का था, जहाँ पे ये सेल पॉइंट था, और उसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 15 पॉइंट का यहाँ पे फॉल देखने को मिला था। अब यहाँ पे देखेंगे तो आज क्या हुआ था, जैसे गैप अप ओपन हुआ आप देख सकते हो ओपन इक्वल टू हाई, जब तक ये कैंडल क्रॉस नहीं करता आपको लॉन्ग नहीं करना है, कल भी ये ध्यान में रखना है। 19378 5 पॉइंट और ऐड कर दो, 19382 उसके ऊपर जाता है तो ही लॉन्ग करना है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ये जो है 44673, तो इसका हम 685 कर देंगे। और नेक्स्ट रहेगा हमारा फिन निफ्टी का, जिसका आएगा 19843, तो इसका हम 850 कर देंगे। ये लेवल के ऊपर गया तो ही हमें लॉन्ग करना है, नहीं तो हमें अभी भी वेट करना है, क्योंकि अभी इस फेज़ में ऐसा है ना, बायर कमा रहा है ना सेलर कमा रहा है, इससे अच्छा शांति से बैठने का। मेरा 3 मंथ का लास्ट एक्सपायरी का एक्सपीरियंस है, एसएल ज़्यादा हिट होते हैं, तो इससे अच्छा है सेव कैपिटल, और उसके बाद में जब नया सीरीज स्टार्ट होगा हम वहाँ पर फिर से अच्छे से ट्रेड करेंगे। तब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम सीधा डेली चार्ट पे चलते हैं। ओके, तो डेली चार्ट यहाँ पे मैं क्लियर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो कैंडल है अभी इसके नीचे नहीं हमें जाना चाहिए। अगर वापस हम यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन हो गए 760 के नीचे, तो जिस हिसाब से ये बड़ा कैंडल है आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा, जो आएगा 620 आपका यहाँ पे एक लो लग सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ओपनिंग कहाँ है, उस हिसाब से हमें शॉर्ट करना है। सिमिलर इसमें भी है, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ये जो पॉइंट है जो आज का लो है 429, पर अगर आपको कल शॉर्ट करना है तो 460 के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा रिस्क लेना। और आपका टारगेट होना चाहिए 200 तक के लिए, आपका नीचे में टारगेट होना चाहिए। अभी हम छोटा टारगेट लेके चलेंगे क्योंकि एक्सपायरी है तो वोलाटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी में अगर हमें शॉर्ट करना है तो 310 के नीचे गया तो ये वापस ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे आ जाएगा और फिर नीचे की साइड जाएंगे, तो 310 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे फर्दर 100 पॉइंट के लिए। ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, जहाँ पे ऑप्शन चेन में हमें 19300 को हाईएस्ट पुट में शॉर्ट अभी देखने को मिल रहा है, जो आज सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ है 19250 में हुआ है। और ऑपोजिट देखेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है 19500, काफ़ी बड़ा रेंज है, पर प्रीमियम के हिसाब से देखें तो 100 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो नीचे 250 ऊपर 450 कल हम मान के चल सकते हैं। कल अगर यही प्रीमियम हो जो होगा 80 के आसपास तो वो थोड़ा रेंज कम हो जाएगा, तो कल हमें मॉनिटर करना है ऊपर की साइड के लिए 19400 का पुट और नीचे की साइड के लिए 19300 का कॉल। बैंक निफ्टी 44500 परफेक्ट प्लेस पे क्लोज हुआ, इसका आप स्ट्रेडल चार्ट देख लेना, उसके ऊपर आप यहाँ पे ब्रेकआउट डिसाइड कर सकते हो, और बाकी और कोई लेवल ध्यान में नहीं रखना है, 44500 का ही हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर स्ट्रेडल चार्ट हम देखते हैं यहाँ पे तो 44500 का ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, जो है 335 के आसपास, इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आपका जो भी अब ग्रीन है तो कॉल लेके
और रेड है तो आप पुट बाय करोगे, एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे एक ट्रेंडी मूव मिल सकता है, पर आइए कल मिलेगा थर्सडे मिलेगा वो श्योर नहीं है, पर यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा 44,500 का हमें एक ट्रेड मिलेगा। स्टॉक की बात करें यहाँ पे तो स्टॉक में है, यहाँ पे फर्स्ट हमें HDFC को ध्यान में रखना है। बायोकन कुछ है नहीं, एक मिनट क्लिक कर ले क्यों रखा पता नहीं। ओके ये तो ब्रेकडाउन की वजह से रखा था। HDFC बैंक यहाँ पे हमको ट्विजर देखने को मिला, एक अच्छा सा हमें बाइंग देखने को मिला, पर ये जो कैंडल है अभी एक हैंगिंग मैन कैंडल है। अगर ये वापस हम 80 के नीचे खुल गए तो यहाँ पे फिर से गिरावट आ सकती है, जो वापस आपको 1558 तक लेके जा सकती है। अंबुजा सीमेंट जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन कहाँ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। दो दिन हमें इनसाइड बार कैंडल देखने को मिला है, वेट करना। जैसे ही 429 निकलेगा आपको एक क्लियर यहाँ पे 25 पॉइंट्स का नीचे की साइड ट्रेड मिलेगा। शॉर्ट करना है, एग्रेसिव ट्रेडर हो 436 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एस्ट्रॉल, वो भी एक ब्रेकआउट के पास है, तो जैसे ये ब्रेकडाउन होता है हमें एक कन्फर्मेशन चाहिए। पहला आपका टारगेट आएगा 20, बाउंस आएगा 54 के ऊपर, अगर सस्टेन नहीं करता है तो वापस शॉर्ट बनेगा, तब हमारा टारगेट आएगा 1780 तक जा सकते हैं। अतुल काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये ब्रेकआउट के पास आया हुआ है, ये जो कैंडल है जिसका हाई है यहाँ पे 7232, आज का क्लोजिंग है 7198। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये 32 वाला लेवल उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो एक काफ़ी अच्छा सा हमें ऊपर की साइड मूव मिलेगा, 7480 तक जा सकता है। वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ओनली ये है कि यहाँ पे एक अलार्म आया है प्रॉफिट बुकिंग का, देखते हैं इसके ऊपर निकल गया और यहाँ पे इसको इग्नोर करता है तो एक क्विक मूव ऊपर की साइड मिलेगा। बर्जर पेंट में भी आपको ध्यान में रखना है, एक ब्रेकआउट हमें ऊपर की साइड मिल सकता है। तो बर्जर पेंट में हमें जो अभी देखेंगे तो एक ट्रिपल टॉप बना के हमने यहाँ पे डीप देखने को मिला था, उसके बाद में हमें फिर से हायर एंड पे क्लोज हुआ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला जो लास्ट टाइम जो हाई बना था 724 के ऊपर हम फ्रेश इसमें बाई करेंगे, आपका टारगेट 740-750 हो सकता है। तो अभी यहाँ पे सीधे चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन जो स्लोपिंग आ रहा था तो हमें बाय इसी के ऊपर ही करना है, ध्यान में रखना जो हमने स्टार्टिंग में बात किया इसके ऊपर ही हम बाय करेंगे, तब फिर हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 440 और 460 तक हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। नीचे में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा 310 के नीचे, आपको ये फर्दर नीचे जाता हुआ दिखेगा, 240-190 टारगेट रहेगा। सिमिलर ये जो बॉक्स है इसके नीचे हमें दो कैंडल चाहिए 5 मिनट का क्लोजिंग, फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर के लिए वेट करना पड़ेगा हमें, 680 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। फिर निफ्टी ये जो लेवल है यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई 850 का, उसके बाद में ही हमें कोई लॉन्ग देखना है, उसके बाद में हमारा हम यहाँ पे 20,000 तक भी जा सकते हैं। कोई रीज़न से हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 740 के नीचे, एक क्विक शॉर्ट बन सकता है जो आपको लेके जाएगा फर्स्ट 650 एंड 560 तक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।